नमस्कार दोस्तों, रीट 2021 एडमिट कार्ड को लेके बहुत ही बड़ी इस वीडियो में हम जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि लगातार एक ही बात को लेके कमेंट आ रहे हैं और बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि फॉर्म नंबर नहीं है, बिना फॉर्म नंबर के आप कैसे अपना प्रवेश पत्र निकाल पाएंगे, नाम से क्या आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, यानी कि कैसे जो है आप अपना कहाँ से जो है आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। कोई भी फेक जानकारी नहीं देंगे, बिल्कुल सत्य जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से जो है आप बिना फॉर्म के अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने में बहुत ही बड़ी खुशी हमें यहाँ पे मिलेगी कि बिना फॉर्म के भी आप अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक विज्ञप्ति जो है दिखा देता हूँ। टीचर गुरुजी ने भी यहाँ पे, जिनका यूट्यूब चैनल है, इन्होंने भी यहाँ पे जो है आपको अवगत करा दिया होगा, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी विद्यार्थियों के फॉर्म नंबर जो है, यानी कि फॉर्म जो है गुम हो चुके हैं, खो चुके हैं, या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है भूल गए हैं, तो उनके लिए जल्द ही जो है फॉरगेट का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। ये समस्या जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा तक जो है पहुंचा दी गई है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कहा है कि जल्द ही जो है रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट का ऑप्शन उनको मिल जाएगा। तो आप वेट भी कर सकते हैं, अगर आपको वेट नहीं हो रहा है, आप अपना एग्जाम सेंटर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्सुकता सभी को होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने आवेदन फॉर्म भरा था उनके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जा रहा है, यानी कि मैसेज जो है भेजा जा रहा है। ये आप मैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैसेज का मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक ही नहीं बल्कि दो लोगों से जो ये जो है मैसेज मैंने मंगवाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट योर फॉर्म नंबर, यानी कि आपके फॉर्म नंबर भेजे जा रहे हैं, साथ ही आपके रोल नंबर भी भेजे जा रहे हैं, और नीचे आपको वेबसाइट भेजा जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये OTP सिर्फ उसी नंबर पे आ रहा है जब आपने आवेदन फॉर्म भरा था रीट का, उस समय जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर दिया था उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ये OTP आ रहा है, ये मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें आपके फॉर्म नंबर और रोल नंबर आपको भेजे जा रहे हैं। चलिए मैं और बता देता हूँ, मेरे खुद को भी मैसेज आया है। तो दोस्तों, मेरे को खुद को मैसेज आया है, ये आप देख सकते हैं 10:42 पर 18 तारीख को, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं फॉर्म नंबर और वही जो है एडमिट कार्ड के रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है जिसका विजिट करके आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की बात नहीं है, आपके मोबाइल नंबर पर ये मैसेज जो है डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 26 लाख अभ्यर्थी हैं, तो मैसेज धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरे दोस्त को कल मैसेज आया था और मेरे को आज मैसेज आया है, तो यानी कि आपको भी मैसेज ज़रूर पहुँचेगा। तो यार दोस्तों, आपने जब आवेदन किया था तो उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था उसके इनबॉक्स में जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मैसेज मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोल दिया है कि हम एक दो दिन में फॉरगेट का ऑप्शन डालेंगे, जिसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से आप जो है उसमें फॉरगेट भी कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, जिसमें ऑप्शन, यानी कि इसके एडमिट कार्ड आए थे उससे पहले इसका ऑप्शन लागू था जिसमें आप फॉरगेट कर सकते थे, उसी समय मैंने वीडियो चैनल पर बना के डाल दिया था कि आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ये नंबर, आप यहाँ से ले सकते हैं, ये नंबर चाहिए होंगे, लेकिन उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कैसे आपको पूरी प्रोसेस करनी है, उसका लिंक माई बटन में प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फिर भी कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। जैसे फॉरगेट का ऑप्शन आएंगे हम सबसे पहले आपको जानकारी अवगत कराएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है।